powerful people make places powerful. पानी की इतनी ज़्यादा समस्या थी और क्या है जेब में पैसे नहीं थे तो पैसे कहाँ से आए समझ नहीं आ रहा था और घर में एक भैंस पड़ी हुई थी तो मैंने उस भैंस को ही बेच दिया। बड़ा हरामी हो। और उससे जो पैसे आए तो सोचा कि चलो कुछ कर लेते हैं। तो पानी की समस्या थी तो मैं हैंडपम्प लगाने को सोचा, तो हैंडपम्प लगवाया। तो चलिए देखते हैं कि हैंडपम्प कैसे लगता है गाँव में, कि गाँव में क्या है कि सुविधा वगैरह कम रहता है। शहर में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती है और सीधा ड्रिल करके ज़मीन में छेद करके पानी निकाल देती है, लेकिन गांव में ऐसी फैसिलिटी नहीं होती है। यहाँ पे मज़दूरों को बुलाया जाता है, फिर बहुत मेहनत लगता है, बहुत टाइम वक्त लगता है और बहुत कंजट लगता है। तो चलिए इस वीडियो में यही देखेंगे कि गांव में हैंडपम्प कैसे लगाया जाता है, पानी कैसे निकलता है। पहला दिन तो गाइस हैंडपम्प लगाने के लिए सबसे पहले उस जगह पे जो है एक छोटा सा गड्ढा कर देते हैं जिसमें पानी आसानी से भर जाए, पानी बहुत ज़्यादा हो जाए। उसके बाद साथ ही साथ माता की पूजा की जाती है, धरती माँ की पूजा की जाती है, जैसे फूल वगैरह चढ़ा के नारियल तोड़ के माँ की पूजा अर्चना किया जाता है। साथ ही साथ उसमें बहुत सारे लोग आते हैं जो गाना वगैरह गाते हैं, पंखा भी लगा हुआ है उनके लिए। उसी टाइम पर थोड़ा बहुत बारिश होना स्टार्ट हो गया था, उसी बारिश में मैंने होंडा स्टार्ट किया क्योंकि पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। होंडा स्टार्ट करने के बाद वो लोग अपना प्रोसेस स्टार्ट किए, धीरे धीरे पानी भरा गड्ढे में। पानी भरने के बाद ये सबसे पहले अपना पाइप डाले, उसका धीरे धीरे प्रोसेस स्टार्ट किया। ऐसे क्या है कि धरती पे छेद करते हैं, पूरा प्रेशर देते हैं, तो मिट्टी कट कट के, ये देखिए पूरी मिट्टी काली हो गई, काली आ रही है, पूरी मिट्टी कट कट के आती रहती है और पानी अंदर जाता है जिससे मिट्टी थोड़ा सा नरम हो जाता है। और नरम होने के बाद बार बार ऐसे करते हैं तो मिट्टी में छेद होते जाता है, होते जाता है। मतलब एक एक इंच एक एक सेंटीमीटर धीरे धीरे करके ये ज़मीन को काटते हैं। दूसरे दिन में दोस्तों थोड़ा सा लगभग 40-50 फीट गहरा खुद गया था, उसके बाद से फिर से स्टार्ट किए हैं नेक्स्ट डे। उसके बाद देखिए ये छोटा सा बांस बांधनी है जिसके कारण ऊपर हो जा सके। जब पाइप पूरा ज़मीन में चले जाता है तो पाइप को खोल के फिर बड़ा पाइप डालते हैं, जिससे कि लगभग 20-25 फीट का लंबा पाइप डालते हैं जिससे पाइप और अंदर जा सके। फिर उसको ओपन, फिर उसको खोल के फिर उसमें नया पाइप और जोड़ते हैं, ऐसे जोड़ जोड़ के लेंथ को पूरा बड़ा करते रहते हैं। आप देख सकते हैं इसमें नया पाइप जोड़ रहे हैं अभी। कौन फीट का? 20 फीट का नया पाइप जोड़ने के बाद ये बहुत बड़ा पाइप है। अब इस पाइप को पूरा अंदर ले जाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है गाइस, देखिए अब ऊपर पूरा चढ़ गए हैं एक भैया और पूरे हाथ से पानी को निकाल रहे हैं जिससे प्रेशर बने वैक्यूम से वो हो जाए। तीसरा दिन गाइस, दो दिन हो गया, दो दिन में लगभग 80 फुट हुआ था, 80 फुट की लगभग गहराई हो गई थी। अभी देखिए अभी नए सिरे से स्टार्ट किए हैं। इसी बीच चलते चलते क्या था कि होंडा जो है वो ख़राब हो गई थी, फिर होंडा को बदले हैं, वापस तालाब में डालें ताकि पानी की कमी पूरी की जा सके, क्योंकि उसमें पानी कम होता है ना तो हो नहीं पाता है। तो ये होने के बाद सबसे पहले मैं हैंडल मारा, उसके बाद स्टार्ट कर दिया होंडा को। ये देखिए यहाँ पे ख़राब होंडा पड़ा हुआ है, देखिए पानी पूरा गड्ढे में कितना पानी भरा हुआ है और ये प्रोसेस लगातार, ये देखिए गाइस ये जो है स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। क्या है, हाथ से खींचने में ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो इसलिए ऊपर चढ़ गए हैं। देखिए कितना अच्छे तरीके से स्मार्ट वर्क हो रहा है इसमें गाइस, इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है कि क्या ही बताऊँ। ऊपर से भैया बोले कि थोड़ा सा कल का कुछ सामान वन लेते हैं, तो ये देखिए गाइस ये कल वल का पूरा सामान है, ये वॉशर है, ये हैंडल है, ये वैक्यूम है। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जो कि जिसको लाना था, तो मैं दोपहर में जाके इन सब चीज़ों को लेके आया हूँ। बहुत मेहनत लगता है इन सब चीज़ों में उसका। ये देखिए गाइस फिर ये वही प्रोसेस स्टार्ट है और इसमें क्या है, बीच बीच में पत्थर आ जाता था ना तो उसको काटने में इतना ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, पूरा ऊपर लेके जाना पड़ता है फिर धड़ाम से नीचे छोड़ना पड़ता है जिससे पत्थर आसानी से कट जाए। ये देखिए गाइस पाइप कितना लंबा है, 20 फीट लंबा पाइप है। देख ही रहे हैं गाइस कितनी मेहनत लग रही है इस चीज़ में, लोग पूरे पसीने से भीग जा रहे थे। तो मैंने क्या किया, मैं पंखा लगा दिया, फिर बीच में गाइस होंडा बंद हो जाती थी, फिर से होंडा को स्टार्ट करो, फिर पानी डालो,
स्पीड से होंडा चलेगा तो उसमें पानी भरेगा तभी काम होगा, ऐसा था। देखिए गाइस अभी नया पाइप को क्या है, पाइप बदल रहे हैं, इसमें नया पाइप डाल रहे हैं बड़ा वाला, इसमें बांध देते हैं पाइप को। ये देखिए गाइस बांध देते, नहीं तो ये सीधा ज़मीन के अंदर चले जाएगा, धरती में सीधा वो घुस जाएगा, फिर नहीं मिल पाएगा, फिर सारा सब खराब हो जाएगा। उसके बाद गाइस होते होते रात हो गया था पूरा। ये देखिए जो है रेत निकला हुआ है, इसी रेत में पानी निकलता है। ये लगभग 170-175 फीट जब गहरा खोद दिए तो इसमें रेत निकला है, रेत मतलब बालू निकला है। इसी बालू के अंदर से पानी निकलता है, जहाँ पर बालू मिलता है वहीं पानी मिलता है। तो गाइस यहाँ पे धरती माता गंगा मैया का पूरा बालू निकला है। देखिए करते करते पूरा रात हो गया है। अब यहाँ पे अब ये जो पूरा प्रोसेस अप्रॉक्स कंप्लीट हो गया, अब इसमें पाइप डालने की बारी, छेदा हो गया। ये देखिए गाइस ये जो हरा वाला है ये जो है फिल्टर पाइप है, इसी में से पानी आएगा, वो भी फिल्टर हो के आएगा, मतलब ज़्यादा रेत वगैरह नहीं आएगा। तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे छेद हैं, इसी छेद के अंदर से पानी आता है रिस रिस के। अब ये देखिए गाइस ये जो है सफ़ेद पाइप डाल रहे हैं, जो कि इसमें सॉल्यूशन गोंद वगैरह लगा देंगे जिससे पाइप खुले ना कभी भी। अब ये धीरे धीरे एक एक करके सारे पाइप को डालते जाएंगे इसमें। करके पूरा अंदर चले जाएगा, लगभग 180 फीट की गहराई तक पाइप जाएगा। इन्हें वो पाइप सप्लाई कर रहे हैं और ये हो रहा है। और यहाँ पे ठेकेदार जो थे वो पूरे कल को हैंडपम्प को पूरा बना रहे थे, जितनी भी सारी इक्विपमेंट थी, जो भी सामान वगैरह था, उस सबको कस के एक साथ कर रहे थे। अब देखिए गाइस कल लग गया है, देखिए अब कल से पानी आ रहा है। अभी इसको प्रॉपर तरीके से चला नहीं सकते हैं क्योंकि अभी तरीके से जाम नहीं हुआ है। जब ये जाम हो जाएगा तो ये पूरा फ्रीली होके चलेगा अच्छे तरीके से। तो गाइस इस कल को जो मैं आंगन में लेके आ गया हूँ, अब ये देखिए अब ये हो गया कल जिससे पानी निकल रहा है। तो गाइस ये जो था ये पूरा प्रोसेस था कि कल को कैसे लगाते हैं, हैंडपम्प की खुदाई कैसे की जाती है और पानी कैसे निकलता है गाँव में देहातों में। तो यही प्रोसेस था, बहुत मेहनत मशक्क़त लगता है, लेकिन फाइनली जो है कल लग गया है आंगन में। तो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको देख के अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, चैनल को ज़रूर लाइक जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।